आज का मेरा व्लॉग गैस के बारे में भी है। कम से कम लाइक तो बनता है। 6.5 लाख बोल रहे हो तो 5 किलो दे, 5 किलो प्याज भी नहीं होते हैं। सूरज का टैक्स कौन देगा अभी? उसके सांस लेने पर भी चार्जेस लगे आके जाके। फाइनली चौकीदार है आप? चौकीदार है। ये बंदा बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। आप देख 6-5 चक्का 5। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे अपने बाल बच्चों के साथ। आज मैं अपनी जननी सी जान हया के साथ व्लॉग पे आया हुआ हूँ। ये रो भी रही है। तो आज का मेरा व्लॉग गैस के बारे में भी है, क्योंकि गैस यहाँ कोयटे में प्रेशर उतना नहीं है, फिर भी बिल इतना ज़्यादा आता है कि लोग बिल्कुल अपने बाल बच्चों के मुँह से निवाला छीन के बिल भरते हैं गैस के। रत्तर यूनिट पे आया हुआ है 10,600। इस हिसाब से लोगों का बहुत ही गुजारा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैस का प्रेशर भी नहीं, और आपको गैस का प्रेशर भी दिखाते हैं। मेरे घर में सिर्फ मेरी फैमिली रहती है, जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना ही गैस यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से 73 यूनिट बहुत ही है। तो गवर्नमेंट या गैस कंपनी यही समझती है कि गैस हम लोगों ने या गैस मीटर बंद किया हुआ है, हालांकि बिल्कुल गलत है। ये रहा दोस्तों प्रेशर गैस का। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, गैस का चूल्हा बिल्कुल जल ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें गैस है ही नहीं है, या कंपनी की तरफ से गैस बंद किया हुआ, या प्रेशर बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि इस वजह से चूल्हा नहीं जला। तो आपको दिखाता हूँ उसके नए मुबदल या मुतबादिल सिलेंडर भी यूज़ करते हैं हम लोग। ये रहा सिलेंडर, जो 2 किलो सिलेंडर, इसमें LPG थे और इसका चूल्हा। इस बुनियाद पर भी कंपनी कहते हैं आप लोगों ने मीटर बंद किया हुआ है। इसे भी भरते हैं तकरीबन महीने में 2 से 3 मरतबा सिलेंडर, 2-2 किलो यूज़ करते हैं। अभी मेरे ख्याल में 300 से ऊपर 1 किलो के हिसाब से LPG, तो गैस बिल नहीं है, और ऊपर से बिल भी बहुत बेताशा है। या कि सुई सदरन गैस कंपनी को चाहिए कि वो विज़िट कर ले जो उनके आला अहदेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कंपनियाँ जो गैस कंपनी के दफ्तर में हम लोग जाते अपनी शिकायत दर्ज करवाने, तो कहते यार हमारे हाथ में नहीं है ये, क्योंकि बिल जो भी नए आते हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनसे गुजारिश है ये कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कम अज़ कम लाइक तो बनता है। वीडियो के नीचे आप लाइक का निशान लगा हुआ है, उस पर एक क्लिक कर ले या उसे दबा दे, आपसे यही गुजारिश है, मेहरबानी। तो हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाते अपने आज के दिन का व्लॉग। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक दोस्त रिक्शे के साथ ऑफ रोड कर रहे हैं। वाला कितना लेगा? हाँ वो CNG है ना, यार इसमें यार बस ठीक है, खैर 1 महीने के बाद अलावाल करेगा वो। ठीक है, मेहरबानी जुम्मे सर, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह कितने का कह रहा है? 6.5 लाख। 2007 मॉडल है, स्प्रिंग वाला रिक्शा, सब फ्रेश है। सैयद नुरबद आका का है रिक्शा, ये रिक्शा बेच रहा है अपना, इसीलिए जो है इसको पैसे की ज़रूरत है अभी। अभी इसका रिक्शा ले रहा है, नहीं पैसे नहीं है, 2024 क्या करेगा, ये अपना बेच रहा है,
और पैसे किधर से लाए फिर? ये बात ही है, महंगाई का दौर है, महंगाई का दौर है, पैसे नहीं है, गरीबी है, गुर्बत है लाला। चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। खैर ठीक ठाक कुछ बोले अपने रिक्शे के बारे? 6.5 लाख बोल रहे हो तो 5 किलो दे, 5 किलो प्याज भी नहीं होते हैं। छोड़ नादिर उस्ताद ने भी रिक्शा लिया था 0 मीटर, वो बेच दे लिया था, वो बेच दिया उसको। अच्छा, अभी दूसरा लिया। कौन सा लिया? अभी 12 मॉडल का लिया है। क्या 2012 का? हाँ 2012 का लिया है, 8.5 लाख रुपये। 8.5 लाख उसको बेच दिया, 12 लाख थी सर। ये मुसा भाई ठीक ठाक खुश मज़े में, और क्या हाल चाल है? तबीयत मबियत सीट है, फर्स्ट क्लास है, शुक्र है अल्लाह का एहसान है। बस ये धूप धूप में बैठा है भाई, थोड़ा सा चार्ज करे अपने। हाँ सोलर पैनल के हिसाब से अभी ना लाइट है ना गैस है, बस बर्बादी है बर्बादी। और सूरज का टैक्स कौन देगा अभी? वाट गैस का वो चला हुआ है ना रीडिंग? अच्छा 10,000 बिल आया हुआ है इसका भी। हम लोगों ने अभी तरफ लगा दिया, 73 यूनिट चला हुआ हमारा जो ये 74 यूनिट चला हुआ है, 74 यूनिट चला हुआ है फिक्स, 10,000 हम लोगों का भी आया हुआ है, इसीलिए यही क्या है गैस भी नहीं है और बिल भी माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं। और हम लोगों ने जब लगा दिया, एक यूनिट का 135 रुपया एक यूनिट। पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं उतार रहे इस महंगाई से भी, और जो टैक्सेस लगा रहे हैं उसके हिसाब से भी अभी भी कर्जा नहीं उतर रहे, सब अपना जेबे भर रहे हैं। हाँ सब अपने जेबे भर रहे हैं मुसा भाई कह रहे हैं। हाँ ना, और अभी सुनने में आया है कि सोलर पैनल जो जिन हजरात ने अपने घरों की छतों पर लगाए हुए उन पर भी चार्जेस लग रहे हैं, उन पे भी चार्जेस लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि सांस लेने पर भी चार्जेस लगे आके जाके। कुछ भी हो सकते है पाकिस्तान, कुछ भी पाकिस्तान। अच्छा ये फौजी भाई बिलाई कर रहा है, नाश्ते का बंदोबस्त हुआ है या कुछ करने वाले या हो चुके हैं फौजी भाई? हाँ। अच्छा ये दुकान किस चीज़ के लिए लिया आपने? ये दुकान जो है स्टाफ के लिए, रशे स्टाफ वाले के लिए भाई, दफ्तर बनाया है इसको, इसीलिए जो है दुकान का किराया भी महंगा किया है। पहले जो है हम लोग 6,000 रुपये देते थे, फिर 2 महीने बाद फिर उसने बोला 8,000 कर दो, 8,000 के बाद अभी फिर से बढ़ा दिया है, 10,000 हो गए। बाकी जो है बिल आते हैं हर रक्षे दस जब जाते हैं, हम लोग जो है उन लोगों का नाम लिखते हैं, फिर 20-20 रुपये हम लोग लेते हैं भाई। फी पेरे का जिधर भी जाना है 20 रुपये। हाँ इसीलिए जो है ये दुकान पीना रहा उसी में से 20 रुपये जिन जिन बंदों से लेके किराया भी पूरा करते हैं, बिल वगैरह भी बचत भी नहीं होता है, फिर खाना पीना भी इधर रिहाइश अभी सोने का मुहर्रम के अय्याम में नज़ नियाज़ भी करते हैं हम लोग। अभी जो है कम से कम जो है हो गए 5-6 साल से हम लोग ये रूटीन शुरू किया था नियाज का, माशाल्लाह उसका अल्लाह ताला आपको अजर दे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह। नादिर भाई और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं बस मेहरबानी, बस इतना बोल स्टाइल पे बोर बस हमला बस नहीं था। मेरे कुछ दोस्त अभी दोपहर के का खाना खा रहे, तो आपको दिखाता चलूं, इनमें खान अली और ग़ुलाम हसन भाई, दूसरा आरिफ हुसैन खाना खा रहे। तो अभी आप देख ले खान अली भाई, अच्छा खाने में क्या खा रहे? भाई साला ने भाई जान गर्म रोटी है। अच्छा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आलू कबाब खाना चाहते हो तो आओ हमारे साथ खाना खाओ। आरिफ हुसैन जी भाई मेरे ख्याल में मूड ज़्यादा है इसीलिए चेहरा जो है लाल हो गया है ना? मैं उसकी वजह से नहीं हूँ, वैसे भी है किसी बंदे में चेहरा लाल होते है, किसी में काले होते है, किसी में गोरे होते है, इसमें तो अल्लाह ताला की देन है, जिस बंदे को अल्लाह ताला ने कलर दिया है वो
यहाँ पर दोस्तों के साथ लूडो खेल रहे हैं, आप भी देख ले, बहुत ही सनसनीखेज गेम चल रहा है। यार नादिर दादी बदबख कर दिया। दो छे तीन नादिर को मारा गिट्टी को। फाइनली चौकीदार है आप? चौकीदार है। यासीन जान जान जोरस साहिब, ये बंदा बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, आप देख ले काफी उतारा है, पांच, ताकि मैं भाग ना सकूं। अल्लाह नहीं कहता है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, यहाँ से मार दिया मुझे। छः पाँच चक्का पाँच मालूम मैदान ही।